अरे बेबी आई लव यू ना। हेलो। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग। क्या यार प्रिया, तुम घर में रहकर भी कॉल कर रही हो? प्रिया? कौन प्रिया? मैं कह रहा था, मुझे ना तुम्हारी और घर की बहुत याद आ रही है। बेबी आपकी नाइट शिफ्ट कब खत्म होगी ऑफिस से? अरे उठ गए आप? चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ बेबी। बेबी कौन बेबी? कुछ नहीं, वो मैं आपको बोल रहा था। कौन है कॉल पे? ऑफिस से कॉल है। ओ अच्छा, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, आज करवा चौथ है। क्या करवा चौथ फिर से? कुछ नहीं, मैं कह रहा था आज तुम पूरा दिन भूखी रहोगी और मेरे लिए व्रत रखोगी, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, ओके बाय। करवा चौथ लग गए। अबे क्या हो गया, अब क्यों बंदर के पिछवाड़े जैसी शक्ल बना के खड़ा है, बताएगा कुछ? दिमाग मत खा यार, तुझे सब पता, तू फिर भी मजे ले रहा है। ओ तेरी की, मैं तो भूल ही गया था आज करवा चौथ है, और तेरी तो वैसे भी दो दो बीवियां हैं। भाई आज तो तेरे लगने वाले हैं, रैकेट के शटल की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, मजा आएगा। हरामखोर मजे मत ले, तुझे तो पता है मेरी दो दो बीवियां हैं, एक रितु जो मेरे कॉलेज का प्यार है और दूसरी प्रिया जिससे मेरी शादी घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी, और देख दोनों से प्यार कर बैठा हूँ। करवा चौथ वाले दिन ना मेरे एल लग जाते हैं, और भाई दोनों मुझसे व्रत रखने को भी बोलती हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे इनका व्रत खुलवाऊंगा। बेटा तू खेल घर वाली बार वाली, मेरी तो एक ही बीवी है, मैं जा रहा हूँ उसके पास, और वैसे भी आज मैंने फास्ट रखा है, ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह पाऊंगा। बेबी आज छुट्टी ले लो ना, आपका भी फास्ट है मेरा भी फास्ट है, पूरा दिन घर पे रह के रेस्ट करेंगे। आ, आ। अगर आज छुट्टी ले ली ना तो इधर से भी छुट्टी मिल जाएगी और उधर से भी छुट्टी मिल जाएगी। क्या? मेरा मतलब है आज ना ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर मैंने आज छुट्टी ले ली ना तो उधर से छुट्टी मिल जाएगी हमेशा के लिए। हेलो यार बेबी आप कहाँ रह गए, जल्दी आओ ना। हाँ बेबी बस आ गया, निकल रहा हूँ। किसका फोन था? और बेबी किसको बोल रहे थे? अरे बेबी नहीं बोल रहा था, कैब वाले था ना तो भैया बोल रहा था। क्या तुम भी किन चक्रों में पड़ रही हो? अच्छा सुनो, मैं ना बीच बीच में आता रहूंगा, जल्दी आ जाऊंगा, अभी मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। बेबी हैप्पी करवा चौथ। आ गए आप, कैसे रहा आपका ऑफिस? एक मिनट, बैग कहाँ है आपका? अरे यार बैग तो प्रिया के घर रह गया, अब क्या करूं, लेकर आना पड़ेगा। हाँ बेबी। हाँ बॉस क्या हुआ? बॉस? बेबी मैं प्रिया बोल रही हूँ, आप भी ना कितने भुलक्कड़ हो, अपना बैग तो आप घर ही भूल गए। ओ अच्छा, मैं अभी आता हूँ बॉस, अभी आता हूँ। कौन था फोन पे, किसको बेबी बोल रहे थे? क्या बेबी तुम मुझ पे शक कर रही हो? मेरे बॉस का नाम बेबी है, उन्हें बोल रहा था बेबी बॉस। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को बेबी बोलूंगा? ये दिन दिखाने से पहले भगवान मेरी जान ले ले। तुम रेस्ट करो, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ, मेरा बैग ना कैब में रह गया। अरे बेबी क्या हुआ, आपकी सांस क्यों फूल रही है? अरे वो मैं बैग लेने के लिए आया था जल्दबाजी में, मेरी मीटिंग है, तुम बैग दो जल्दी। अरे शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है फोन कर देना, आ जाऊंगा। अरे आ गए आप, लेकिन ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? आज आपका फास्ट है ना, चलो रेस्ट करो।
एक मिनट। हे भगवान, करवा चौथ वाले दिन किसी और लड़की का बाल कहाँ मुंह काला करवा के आ रहे हो तुम? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, किससे शादी हो गई मेरी? अरे अरे बेबी, मेरी बात तो सुन लो यार, तुम रो क्यों रही हो, बात तो सुनो ना। हे भगवान, अरे यार मेरी बात तो सुन लो, तुम तो बेफालतू में शक कर रही हो मुझ पे। ये तुम्हारा ही तो बाल है, जब मैं थोड़ी देर पहले आया था तुमने मेरे से गले मिले थे, तब लग गया होगा ना, तुम्हारा ही बाल है ये। पर मेरे बाल तो ब्राउन है ना। अरे बेबी मैं मानता हूँ तुम्हारे बाल ब्राउन है, लेकिन जब तुमने कलर करवाए होंगे तो एक आधा रह गया होगा ना ब्लैक, बस वही है गले लगते हुए, वही बाल टूट के यहाँ पे गिर गया। गले मिली? मैं कब गले मिली थी, मुझे तो याद ही नहीं है। अरे बेबी आपको पता तो है मैं आपके अलावा किसी और लड़की की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। हाँ पता है ना, आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। चलो मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, आप भी अपने हाथ पे मेरा नाम लिखवाओ। अगर मैंने हाथ में मेहंदी से नाम लिखवा दिया तो प्रिया के पास फंस जाऊंगा। अरे बेबी तुम्हें तो पता ही है ना मेरे को मेहंदी से कितनी एलर्जी है, लास्ट टाइम भी जब मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी तो पूरा का पूरा हाथ सूज के पकोड़े जैसा बन गया था। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ये देखो, मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगवा रही हूँ और आपका नाम लिखवा रही हूँ ना, तो आप पेन से तो लिखवा ही सकते हो ना। अच्छा ठीक है लिखो। हाँ बॉस। हेलो बेबी, कहाँ हो? शॉपिंग पे जाना था, बोला था ना। शॉपिंग? शॉपिंग? हम शॉपिंग पे जा रहे हैं क्या? नहीं बेबी, शॉपिंग पे नहीं, वो कोपिंग ऑफिस में ना मैं कुछ डाटा कॉपी करने के लिए लगा के आया था, तो वो हो गया, अभी मुझे वो चाहिए, तो मैं अभी आता हूँ, है ना, थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हाल है? बोल दोबारा। जोरू का गुलाब। बेबी आज तुम मिल्खा सिंह क्यों बने फिर रहे हो सुबह से? वो बेबी मेरा फास्ट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि रनिंग करके अपना वेट ही लूज कर लूँ। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं नहीं, पहले एक काम करते हैं, मेहंदी लगा ले फिर चलेंगे शॉपिंग पे, और इस बारी मैं तुम्हारे हाथ पे अपना नाम लिखूंगी, वो भी मेहंदी से। मेहंदी? अरे नहीं नहीं, एक काम करो तुम भी पेन से ही लिख दो। तुम भी? तुम भी मतलब? अरे बेबी ग्रामर को क्यों देख रही हो, छोड़ो ना, हो जाती है कभी कल। अरे हाथ क्यों पीछे खींचा, उस पे कुछ लिखा था शायद, दिखाओ मुझे। कुछ भी नहीं लिखा। हाथ दिखाओ। अरे बेबी मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, यार जब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखा उसमें, यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, तुम अपनी रट लगा रही हो, जब मैं बोल रहा हूँ तुम शक कर रही हो मुझ पे, जब कह रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखा, तुम्हारी कसम कुछ भी नहीं लिखा यार, मेरे को सुसुआ है यार, अगर एक मिनट और यहाँ बैठो तो निकल जाएगा सोफा सारा खराब हो जाएगा, मैं भी आया। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया दो बीवियों के चक्कर में, एक तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खा रखा, पेट में चूहे कूद रहे हैं, और ऊपर से दोनों बीवियों ने मेरे लिए फास्ट रख रखा है मेरी लंबी उम्र के लिए, मतलब 200 साल जीऊंगा मैं तो, जितनी ज़्यादा लंबी उम्र उतनी ज़्यादा भाग दौड़। बेबी सब ठीक तो है ना? हाँ बेबी मैं ठीक हूँ। क्या करूँ यार, किस किस को प्यार करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई अब क्या हो गया, अब क्यों सर पकड़ के बैठा है, दिन तो कट गया ना। भाई ऐसा करवा चौथ का दिन तो बीत गया, लेकिन रात बितानी बहुत मुश्किल है, अब जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही मेरी जिंदगी में काला ग्रहण लगेगा, सेम टाइम पे वो टेरेस पर आएंगी, दोनों की टेरेस भी सेम है, दोनों मेरा वेट करेंगी, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इतनी टेंशन हो रखी है। अरे तो छोड़ ना, टेंशन क्यों ले रहा है, एक काम करते दोनों दारू पीने चलते हैं। तू पागल वागल है क्या, तेरे दिमाग में कुछ फर्क है, यहाँ मेरी बीवियों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए व्रत रखा है और मैंने भी व्रत रखा है, और तुझे दारू की लगी है, शर्म कर ले यार। अच्छा ठीक है तो एक काम करना, एक को 8:10 पे बुला ले और दूसरी को 8:15 पे, अरे 5 मिनट में तो पूजा हो जाएगी, ठीक कहा कि नहीं? अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं,
सही 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 कह रहा है, चल ठीक है यार। हेलो, हाँ प्रिया बेबी, मैंने ना पंडित जी से बात करी थी तो पंडित जी कह रहे थे 8:10 का मुहूर्त सबसे अच्छा है, तो आप टेरिस पे 8:10 पे आ जाना। ओके बेबी, आ रहा हूँ बस मैं। हेलो रितु बेबी, मैंने ना पंडित जी से बात करी थी तो वो बोल रहे थे कि 8:10 पे सबसे अच्छा मुहूर्त है, तो आप 8:10 पे टेरिस पे आ जाना। बस आ गया मैं। जैसे रितु 8:10 पे ऊपर आएगी, उसके साथ पूजा करके उसे नीचे भेज दूंगा, फिर प्रिया के साथ पूजा करके प्रिया को नीचे भेज दूंगा, उसके बाद अपने दोस्त के साथ जाऊंगा दारू पीने। सीन सेट है, कितना बढ़िया प्लान सोचा था मैंने। यस, चांद आ जा। बेबी चांद आ गया क्या? आ गया। बेबी ये कौन है? बेबी ये कौन है जो तुम्हें बेबी बोल रही है? रितु, प्रिया, तुम दोनों बेबी यहाँ? आज घर वाली और बाहर वाली मिली गई। साले मार के भागा था ना, बड़े मजे ले रहा था। अब लाइव शो मैं देखूंगा। कंटिन्यू भाभी जी। क्या? पानी तो मैं बाद में पीऊंगी, पहले मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगी और तुम्हारा खून पीऊंगी। व्रत तो मैं बाद में तोड़ूंगी, पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी। ए बेबीज, भाभी जी, अरे आप दोनों एक काम करो ना, दोनों मिलके तोड़ दो। बात तो आप सही कह रहे हो भैया। मैं इसके मरने के बाद सैया बनने की सोच रहा था, इन दोनों ने स्टार्टिंग में ही फुल स्टॉप लगा दिया। जय श्री राम। बड़े यार गे, बड़े यार गे।